जैसे अपन किसी कमरे में बैठे हों और उसमें दो तरफ खुलने वाली दो खिड़कियां हों। खिड़कियां हमने खुद अपनी सुविधा के लिए लगाई हैं, हम चाहें तो उन्हें खोलें, नहीं चाहें तो नहीं खोलें। और एक खिड़की तो खुलती है बगीचे की तरफ और एक खिड़की खुलती है कचरा घर की तरफ। तो अब कौन सी खिड़की खोलनी है ये भी हमारे ऊपर निर्भर है। अगर हम बगीचे की तरफ वाली खिड़की खोलते हैं तो सुगंध आएगी, और अगर हम कचरा घर की तरफ की खिड़की खोलते हैं तो कमरे में दुर्गंध आएगी। बस ऐसा ही है, अगर हम शुभ कर्मों का द्वार खोलते हैं तो शुभ कर्म आते हैं, अशुभ काम करते हैं तो हमारे मन वचन काय की अशुभ क्रिया के द्वारा अशुभ कर्मों का आवागमन हमारे भीतर आता है और पूरे जीवन में दुर्गंध फैल जाती है। इसी तरह से शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म अनादिकाल से मन वचन काय की क्रिया के द्वारा इस जीव के अंदर आत्मा में आते रहते हैं और वे अपना निश्चित समय तक रहकर फल दे करके चले जाते हैं। इसलिए हमें जानना चाहिए कि कैसे हम इस आश्रव से बचें, और आश्रव से बच करके ही हम संवर और निर्जरा के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आश्रव तत्व को जानना भी आवश्यक है, क्योंकि आश्रव और बंध के द्वारा ही संसार होता है, और हमें संसार से मुक्त होना है तो संसार के कारणों को भी जानना पड़ेगा। आश्रव ही वास्तव में संसार का कारण है। और आश्रव का क्या कारण है तो कहते हमारे परिणाम ही आश्रव के लिए कारण है। जैसे हमारे परिणाम होते, जैसी हमारी मन वचन काय की चेष्टा होती है वैसा आश्रव होता है। जो कम से कम मन वचन काय की क्रिया को करेगा उसके कमती आश्रव होगा। और इतना ही नहीं, मन वचन काय के साथ जैसी हमारी कषाय होगी वैसा जो है आश्रव और बंध दोनों ही उसके अनुसार होगा। हम देखें कि आचार्य भगवंत हमें किस प्रकार योग समझते। योग किसे कहते हैं? मन वचन काय की क्रिया के द्वारा होने वाले आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन का नाम योग है। अपने भीतर निरंतर आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, चाहे वो मन से हो, वचन से हो या शरीर से हो। कोई भी क्रिया होती है तो आत्म प्रदेश परिस्पंदन, उसी का नाम योग है। काय वांग मनः कर्म योगः, मन वचन काय की क्रिया को ही योग कहते हैं। श्राश्रव, और वही योग आश्रव है। आश्रव का कारण होने से उसे भी आश्रव कह दिया। जैसे एक पंडित जी वचन का के लिए पहुंचे, नए शहर में पहुंचे, तो मंदिर में पहुंचे तो वहां तो कोई था नहीं, तो उन्होंने माली से कहा कि जाओ दो चार लोगों को बुला के ले आओ। तो माली गया और दो चार लोगों को बुला के ले आया। अब बुला के ले आया तो एक से पूछा कि भैया आपका परिचय? तो उन्होंने कहा कि मैं तो रिक्शे वाला हूं। अरे तो आपको बुला के ले आया वो? हाँ, मुझे बुला के ले आया कि आपको बुला रहे हैं। नहीं नहीं, आपका कोई ज्यादा हमें काम नहीं है, आप जाइएगा। दूसरे वाले से पूछा कि भैया तुम काहे के लिए आए? बोले वचन का के लिए। और भी जो तीन चार लोग थे वे भी वचन का के लिए आए, पर उसमें से एक व्यक्ति जरा यंग दिखाई पड़ रहा था, तो उससे कहा कि देखो हमें शाम को यहां इस गाड़ी से लौटना है, हो सके तुम्हारा रिजर्वेशन करवा दो। उसने कहा हम करवाए देते हैं। और बाकी जो लोग बचे उनसे कहा कि आओ बैठो, हम तुम्हें चार बातें धर्म की सुनाते हैं। तो सुनाने लगे, उसी में से जो है, और वचन का एक घंटे की खत्म होने पर बाकी लोग तो चले गए। एक अपना सामान यहां वहां रखने लगा तो पूछा कि भैया तुम कैसे आए? तो बोले हम भी यहां पर नए हैं और हम यहीं रुके हुए हैं। तो बोले ठीक है, फिर अपन यहीं रुकते हैं, शाम को हम आपके साथ में चलेंगे। क्या हुआ, सारी आश्रव और बंध की प्रक्रिया इस तरह से होती है। हमने जो लोगों को बुलाया वो हमारे मन वचन काय की चेष्टा से आए, इसी तरह कर्म हमारे आत्मा में आते हैं। अब हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। रिक्शे वाला है, जाओ भैया हमें तुम्हारा काम नहीं है।
ऐसे ही कुछ कर्मों को हम तत्काल विदा कर देते हैं, उनका ज्यादा हमारे साथ संबंध नहीं होता। और दूसरे को कहा कि रिजर्वेशन करवा लाओ, आधे घंटे में वो रिजर्वेशन करवा के लाया, उससे हमारा संबंध आधे घंटे का रहा, जिनको वचन का सुनाई उनसे घंटे भर का रहा, और एक आदमी ऐसा मिल गया जो हमारे साथ ट्रेन में भी जाएगा, सो उससे और ज्यादा लंबे समय का हो गया। ऐसा ही कर्मों का हिसाब है, हम बुलाते हैं और फिर उनके साथ जैसा व्यवहार करते, जैसी हमारी कषाय होती, सो वैसे भी हमारे साथ ठहर जाते हैं। मन वचन काय की क्रिया के माध्यम से कर्म आते हैं, उसी का नाम आश्रय है। योग शब्द का जैन दर्शन में ही विशिष्ट अर्थ है मन वचन काय की परिस्पंदनात्मक क्रिया, वरना योग का अर्थ जुड़ना भी होता है और योग का अर्थ ध्यान भी होता है, लेकिन यहां वो अर्थ नहीं है। यहां तो मन वचन काय की क्रिया का नाम ही योग है और वही आश्रय का कारण है। शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य, शुभ योग पुण्य का और अशुभ योग पाप का आश्रय का कहलाता है। शुभ और अशुभ कर्मों के कारण होने से शुभ और अशुभ योग होता हो ऐसा नहीं है। ये नहीं समझना कि शुभ कर्मों का आश्रय करने वाला शुभ योग है, नहीं, शुभ योग पुण्य का और अशुभ योग पाप का आश्रय करता है। वास्तव में देखा जाए तो हमारे शुभ परिणामों के द्वारा जो पुण्य प्रकृतियां हैं उनमें स्थिति और अनुभाग अधिक पड़ता है और पाप प्रकृतियों में कम पड़ता है, क्योंकि संक्लेश और विशुद्धि ही कर्म बंध में कारण बनती है। संक्लेश के होने पर पाप प्रकृतियों में स्थिति अनुभाग अधिक पड़ जाता है, और जो विशुद्धि है, मंद कषाय का नाम विशुद्धि है, तीव्र कषाय का नाम संक्लेश है, तो जो विशुद्धि है उसके द्वारा पुण्य का बंध। यहां पर यही आशय लेना कि शुभ योग के द्वारा पुण्य का और अशुभ के द्वारा पाप का आश्रय होता है। सकषाय कषायो सांप्राय क्रिया पथियो, दो प्रकार का आश्रय होता है, सांप्राय का आश्रय होता है, क्रियापथ आश्रय होता है। संप्राय का अर्थ कहलाता है कषाय, तो कषाय सहित होने वाला आश्रय सांप्राय का आश्रय कहलाता, और जिस जो कषाय के अभाव में सिर्फ मन वचन काय की क्रिया रूप योग के द्वारा होता है वो क्रियापथ आश्रय कहलाता है। उस क्रियापथ आश्रय में कर्म आते तो हैं लेकिन स्थिति और अनुभाग सिर्फ एक समय का पड़ता है, आते हैं और चले जाते हैं। आचार्य महाराज एक उदाहरण देते हैं इसके लिए कि जैसे टिन शेड लगा हुआ है और उस पर पानी बरसता है तो क्या होता, वो टिन शेड पर गिरता है और नीचे निकल जाता है, आता है और चला जाता, ये कहलाता है क्रियापथ आश्रय। जब दसवें गुण स्थान में समस्त कषायों का उपशम या कि क्षय कर चुकता है आत्मा, तब ग्यारहवें या बारहवें गुण स्थान में पहुंचता है, तब उसके क्रियापथ आश्रय होता है, कषाय के अभाव में होने वाला आश्रय। पर अपन सब संसारी जीवों के लिए तो कषाय सहित ही आश्रय की प्रक्रिया चलती है, उसे सांप्रायिक आश्रय कहते हैं। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः, जो सांप्रायिक आश्रय है वो कैसे होता है, तो कहते इंद्रिय के द्वारा, कषाय के द्वारा, अव्रत असंयम के द्वारा, और 25 क्रियाएं हैं उनके द्वारा होता है। इंद्रियां 5 हैं, कषायें 4 हैं, अव्रति 5 हैं और क्रियाएं 25 हैं। इंद्रिय किसे कहते हैं, कहते जो सूक्ष्म आत्मा के ज्ञान कराने में कारण बने वो इंद्रिय कहलाती है। आत्मा की पहचान संसार में इंद्रियों के माध्यम से होती, एक इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक के सभी जीव हैं, अपने अपने विषयों को वे इंद्रियां जानती हैं और उसी के माध्यम से आश्रय होता है। फिर कषायें, कषाय से तो अपन परिचित हैं, जो हमें कसें, हमारा घात करें वे कषाय हैं, या कि जो कषाय ले पदार्थ के समान हमारे साथ कर्मों को जोड़ देती हैं वे भी कषाय कहलाती हैं, या कि जो कृषि विलेख ने ऐसा आता है तो कहते हैं जो किसान के समान खेत में हमारे सुख और दुख की फसल उगाती हैं वो कषायें कहलाती हैं, ऐसी परिभाषा कषाय की दी है। अच्छा तो ये है कि जो हमको कस लेती है,
वो कषाय जो हमारा हमारे परिणामों को बिगाड़ देती है, हमारे परिणामों का घात करती है, वो कषाय। इस कषाय के माध्यम से भी सांप्राय का आश्रय होता है। और पाप से विरक्त होने का नाम व्रत है, और पाप से विरक्त न होने का नाम अव्रत है। तो पांच अव्रत हो गए, पांचों पाप जो है वो अव्रत कहलाएंगे, इनके माध्यम से आश्रय होता। और 25 क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से आश्रय होता है, उन 25 क्रियाओं के नाम और थोड़े एक एक मिनट में अपन कर सकते हैं। सच्चे देव गुरु शास्त्र की पूजा आदि रूप सम्यक दर्शन को बढ़ाने की क्रिया का नाम सम्यक वर्धनी क्रिया है, सबसे श्रेष्ठ क्रिया मानी गई है। देखो, चैत गुरु और शास्त्र की पूजा आदि करने रूप जो सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाली क्रिया है, इनसे हमारा सम्यक दर्शन बढ़ता है, निर्मल होता है। ऐसी ये सम्यक वर्धनी क्रिया, इसके द्वारा पुण्य का ही आश्रय होता। और मिथ्यात्व क्रिया, मिथ्यात्व क्रिया वीतरागी के अलावा रागी द्वेषी को भी भगवान मानकर गुरु मानकर उनके लिए पूजा करना, वो मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली क्रिया है, प्रयोग क्रिया है कि आने जाने में होने वाली जो शरीर की प्रवृत्ति है वो सब प्रयोग क्रिया कहलाती है। इसके माध्यम से भी आश्रय होता है। समाधान क्रिया है, संयम की उपेक्षा करके असंयम की तरफ जो हमारा झुकाव होता है तब उसके द्वारा आश्रय होता है, इस क्रिया के द्वारा उसको समाधान क्रिया कहते हैं। सावधानी पूर्वक जो चलने की क्रिया है ईर्ष्यापथ क्रिया कहलाती है, इसके द्वारा भी अच्छे कर्मों का आश्रय होता है। प्रादोष की ओर ठीक से नहीं चलेंगे तो बुरे कर्म का आश्रय होगा। प्रादोष की क्रिया क्रोध के आवेश में जो क्रिया होती है वो सब प्रादोष की क्रिया कहलाती है। काय की क्रिया पाप भाव से युक्त होकर जो हम शरीर की क्रिया करते हैं, कार्य करने का प्रयत्न करते हैं, वो सब काय की क्रिया कहलाती। आधिकरण की क्रिया हिंसा के उपकरणों को ग्रहण करने की जो क्रिया है, जिसमें हम हिंसा के उपकरण ग्रहण करते हैं, वो कहलाती है आधिकरण की क्रिया। 25 क्रियाएं हैं भैया, बहुत लंबा हिसाब है ये अध्याय, सूत्र तो थोड़े से हैं लेकिन इसमें डिटेल्स बहुत है। पारिताप की क्रिया कहलाती प्राणियों को पीड़ा पहुंचाने वाली क्रिया, और प्राणातिपात की क्रिया में पीड़ा क्या पहुंचाई, उनके प्राणों का वियोग ही कर दिया, ऐसी क्रिया की, उससे भी आश्रय होता। फिर दर्शन क्रिया, जो सुंदर रूप है उसको देखने के अभिप्राय से जो क्रिया की जाती है वो दर्शन क्रिया कहलाती है। स्पर्श करने योग्य वस्तु के स्पर्श करने की जो क्रिया है वो स्पर्शन क्रिया है। प्रत्यय की क्रिया में इंद्रिय विलास के नए नए साधन जुटाने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है वो सब प्रत्यय की क्रिया कहलाती। समंतानुपात क्रिया, जो आवागमन का मार्ग है उस मार्ग पे ही अपना मलमूत्र इत्यादि विसर्जन कर देना, इसके माध्यम से भी आश्रय होता है, वो समंतानुपात क्रिया कहलाती है। अनाभोग क्रिया अर्थात नहीं देखी नहीं सोधी हुई जमीन पर और बैठना उठना, इससे जो आश्रय होता है वो अनाभोग क्रिया के माध्यम से होने वाला आश्रय है। स्वाहस्त क्रिया, दूसरे के योग करने योग्यकारी था अपने हाथ से कर लिया, इसको जो है स्वाहस्त क्रिया कहते हैं। बहुत कठिन है ये मामला, दाढ़ी वगैरह दूसरा नाई बनाता है तो अपने हाथ से बना ली, तो दूसरे के करने योग्य क्रिया थी वो स्वयं कर ली। निसर्ग क्रिया कहलाती पाप के समर्थन की क्रिया है, और विदारण क्रिया दूसरे के पाप को उजागर करने की क्रिया से भी आश्रय होता है। मैं बार बार क्यों ये चीज कहता हूं, इसीलिए कहता हूं कि दूसरा तो गलती करे सो वो तो उसने तो पाप का आश्रय किया ही, और आप उसकी गलती को उजागर करके अपने लिए पाप का आश्रय काय को कर रहे हो, ये है निसर्ग क्रिया। पाप के समर्थन की क्रिया करना, विदारण क्रिया दूसरे के पाप को उजागर करने की क्रिया, आज्ञा व्यापादनी क्रिया शास्त्र में कही गई क्रिया का पालन तो नहीं करना और उसका अन्यथा और उल्टा प्ररूपण कर देना, ये भी खूब चलता है। आज्ञा व्यापादनी, जैसा आगम में नहीं लिखा उससे विपरीत कथन कर देना, और धर्म की स्वर्ग की क्रियाओं को तो छुड़वा करके पाप क्रिया में लगा देना। अनाकांक्षा क्रिया, शास्त्रोक्त क्रिया का पालन तो करना लेकिन आदर पूर्वक नहीं करना, बिगाड़ सो टाल दो, हाँ कन्ने पड़ रही है इसलिए यह अनाकांक्षा क्रिया कहलाती। आरंभ क्रिया, पाप की क्रिया स्वयं करना, दूसरे को करते देख करके खुश होना, ये आरंभ क्रिया कहलाती। पारिग्रही की क्रिया, परिग्रह नष्ट ना हो जाए सो परिग्रह के संरक्षण के लिए जो उपाय करने की क्रिया है वो सब पारिग्रही की क्रिया कहलाती। माया क्रिया, ज्ञान और दर्शन के विषय में छल पूर्वक व्यवहार करना,
ये माया क्रिया कहलाती है। मिथ्या दर्शन क्रिया, मिथ्या दर्शन के पोषक जो पुरुष हैं उनकी प्रशंसा करते रहना। और अप्रत्याख्यान क्रिया अर्थात त्याग रूप परिणाम नहीं होना बल्कि असंयम के परिणाम होना, उसके माध्यम से भी अशुभ का आश्रय होता है। ये सब क्रियाएं आश्रय के लिए कारण है। अपन देखो दिन भर में इन 25 क्रियाओं में से कौन कौन करते, तो सम्यक्त वर्धनी क्रिया का समय तो कम है और बाकी 24 का समय बहुत है। सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाली क्रिया कितनी देर करेंगे, पूजा पाठ करेंगे उतनी देर, सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाली क्रिया, बाकी सब क्रियाएं तो जो है संसार को बढ़ाने वाली है। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषे व्यस्त विशेषा, कहते आश्रम में विशेषता कैसे आती है, कहते जैसे परिणाम होंगे, तीव्र परिणाम है, अंतरंग और बाह्य कारण की प्रबलता होने पर जो उत्कट परिणाम होते हैं वो कहलाते तीव्र परिणाम, और जैसे और मंद परिणाम उससे विपरीत जो है मंद परिणाम है, तीव्र मंद हो गए। कहते जैसे एक ही दृश्य है उसको दो लोग देख रहे, एक जो है बहुत अभिरुचि के साथ देख रहा है तो उसके लिए उसके माध्यम से ज्यादा, और एक ऐसे ही कि हाँ चलते देख लो, खड़े हो गए दो मिनट के लिए और चित्र देख लिया, उसको मंद भाव है, वो तीव्र भाव है और ये मंद भाव। तो एक ही चित्र को देख रहे दो लोग, लेकिन दोनों के आश्रय अलग अलग प्रकार का होगा, किसी के अधिक होगा किसी के मंद होगा। ज्ञात भाव और अज्ञात भाव, ये मारने योग्य है ऐसा जान करके और फिर प्रवृत्ति करना, ये ज्ञात भाव हो गया, और हमारा मारने का भाव तो नहीं था लेकिन असावधानी पूर्वक कोई जीव हमारे पैर से मर गया, तो ये अज्ञात भाव कहलाएगा। मारने के भाव से मारने में अधिक आश्रय है, और मारने का तो भाव था नहीं लेकिन असावधानी पूर्वक कोई जीव मर गया तो उसके द्वारा कम आश्रय होगा। और अधिकरण, अधिकरण आधार को कहते हैं, जिसके आधार से होता है, जीव रूप भी हो सकता वो आधार और अजीव रूप भी हो सकता है। जैसे दो जीव हैं, वे दोनों छू करके कोई चीज जान रहे, अब उसमें से एक इंद्री है और दूसरा संगी पंचेंद्री है, दोनों में के इंद्री विषयों में फर्क पड़ेगा, दोनों की क्रिया एक है पर आधार दोनों का भिन्न है, एक एक इंद्री जीव है और एक पंचेंद्री जीव है, एक इंद्री को कम होगा और पंचेंद्री को ज्यादा आश्रय होगा, क्योंकि जीव के माध्यम से होने वाला ये आश्रय है। जिसकी जितनी अधिक इंद्रियां हैं भैया उसको पुण्य और पाप उतना ही अधिक है, एक इंद्री जीव ज्यादा से ज्यादा पाप करे तो पहले नरक से नीचे नहीं जाए, और पुण्य करे तो पहले स्वर्ग से ऊपर नहीं जाए, और संगी पंचेंद्री होवे और मनुष्य होवे और पाप करे तो साथ में नरक तक जाता, और पुण्य करे तो मोक्ष भी जाता, ये भी बात दोनों बात है। तो ये अधिकरण आधार पर निर्भर करता है, और अजीव अधिकरण भी ऐसा ही है, जैसे कि एक मनुष्य है वो बहुत तीव्र अस्त्र के द्वारा दूसरे को मारता है तो उसमें तो ज्यादा है, और एक जो है ऐसा ही, एक तो सामान्य रूप से किसी को माने मारपीट कर दी और एक को शस्त्र के द्वारा मार दिया, दोनों में अधिकरण अलग अलग है कि नहीं। इसी तरह चित्र इत्यादि हैं, चित्र लगा हुआ है, कोई कोई चित्र बड़ा विवश होता है तो मन कैसा हो जाता, कोई चित्र बड़ा वीरस वाला होता है तो अपने अंदर भी जो है वैसा वीरता का भाव आ जाता, लड़ाई का चित्र देख करके कैसा लगता, वो सब अधिकरण बनते हैं हमारे परिणामों के बिगाड़ने बनाने में, जो अधिकरण बनते वे सब अजीब अधिकरण बन जाते हैं। फिर वीर अर्थात शक्ति विशेष, जैसी जिसकी शक्ति होगी उसके द्वारा उतना ही अधिक पुण्य और पाप होगा। दो व्यक्ति हैं जो जानते हैं कि सेवा, दोनों सेवा करना चाहते हैं, एक बलवान है एक कमजोर है, अब जो कमजोर है वो अप्रसन्न रहता है कि सेवा कम कर पाता हूं, बलवान है वो प्रसन्न रहता है कि मैं सेवा ज्यादा कर पाता हूं, दोनों के आश्रम में फर्क है कि नहीं, दोनों की शक्ति का फर्क है इसलिए उनके आश्रय में भी फर्क है। शक्ति होते हुए भी कम करना अच्छा काम और शक्ति नहीं होते हुए अच्छा काम अधिक करना ये बात जुदी है, लेकिन शक्ति है और उसके द्वारा पुण्य भी उतना ही होगा और पाप भी शक्तिशाली के द्वारा उतना ही अधिक होगा, इसलिए वीर भी निर्धारित करता है कि आश्रय किस प्रकार का होगा। कितनी बातें हो गई,
जैसा तीव्र भाव होगा, मंद भाव होगा, ज्ञात भाव होगा, अज्ञात भाव होगा, और जैसी शरीर की शक्ति होगी, वीर होगा, और जैसा हमारा आधार होगा, हम एक इंद्री हैं या पंचेंद्री हैं, या कि हमने अजीब किस प्रकार का बाहर से निमित्त मिलाया है जिससे हमारे परिणाम तीव्र या मंद हुए हैं, ये सब जो है आश्रम में कारण बनते हैं। इसके माध्यम से आश्रम में विशेषता आती है। अधिकरणम जीवा जीवा, अधिकरण दो प्रकार के हैं, और डिटेल में कर देते हैं अधिकरण के बारे में। तो अधिकरण जीव अधिकरण भी है और अजीव अधिकरण भी है। आद्यम संभ्रम्भ समारंभ आरंभ योग कृत कारकानुमत कषाय विशेष चतुष्कषा कहते हैं। पहला अजीव अधिकरण है जिसमें संभ्रम्भ समारंभ आरंभ अपन परिचित हैं। संभ्रम्भ का मतलब है प्लानिंग करना, समारंभ का मतलब है कलेक्शन करना, और आरंभ का मतलब है एक्शन कर दिया, पाप की क्रियाओं को प्लान करना, फिर उसके हिसाब से मटेरियल कलेक्ट करना और फिर शुरू कर देना, ये कहलाता है संभ्रम्भ समारंभ आरंभ। इसके माध्यम से ये तीन प्रकार का हो गया, मन वचन काय और कृत कार्य तन्मोदना, वो तीन और ये तीन, सब तीन तीन का गुणा करो 27 हो गए, चार कषाय हैं, कुल कितने हो जाएंगे 108। तो ये जो ये जीव अधिकरण कहलाता है कि 108 प्रकार से हमारे अंदर कर्म आते हैं, ये जीव अधिकरण है। और अजीव अधिकरण क्या है, तो कहते अजीव अधिकरण में निर्वर्तना दो प्रकार की, निक्षेप चार प्रकार का देते आगे, निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर द्वि त्रि भेदा परम। कहते अजीव अधिकरण निर्वर्तना रूप है, निर्वर्तना का मतलब होता है रचना करना, और निक्षेप अर्थात रखना, और संयोग अर्थात मिलाना। तो निक्षेप चार प्रकार के हैं, निर्वर्तना दो प्रकार की है, संयोग दो प्रकार का है, और निसर्ग भी जो है वो तीन प्रकार का है। इनके अलग अलग जो है लक्षण भी दिए हैं। निर्वर्तना का मतलब मैंने कही आपसे कि रचना करना, प्रोडक्शन जिसको कहते हैं, निक्षेप मतलब रखना, प्लेसिंग। मैं इसी भाषा में बोलता हूं, जल्दी समझ में आपके आएगा, डिटेल्स तो बहुत है इसके। संयोग का मतलब मिलाना, कंबाइन करना, किस तरह आप कॉम्बिनेशंस करते हैं, इस पे भी आश्रय निर्भर करता है। निसर्ग मतलब प्रवर्तन करना, मूवमेंट बिहेवियर जिसको अपन कहते हैं इस तरह से। अब निर्वर्तना दो प्रकार की होती है, एक मूल गुण निर्वर्तना होती है, एक उत्तर गुण निर्वर्तना होती है। पांचों शरीर है, मन वचन काय है, श्वासोच्छ्वास है, ये जो अंतरंग साधन है उनके द्वारा जीव जो है शुभ और अशुभ क्रियाएं करता है, वो सब मूल गुण निर्वर्तना कहलाती है। और जो बाह्य में प्रतिमा है, काष्ठ कर्म है, पुष्प कर्म है, जितना भी ड्राइंग व्राइंग है, ये सब साधन है जीव के शुभ अशुभ परिणामों में कारण बनते कि नहीं बनते, बहुत सोचिए तो बहुत माइन्यूट है। कोई भी चीज अपने यहां पर जो अपन देखते हैं, साइकोलॉजिस्ट तो ये कहते हैं कि एक बार व्यक्ति बाहर देखता है या किसी भी इंद्रिय के द्वारा किसी चीज को विषय बनाता है, एक साथ मन में हजारों प्रकार की चीजें उसके उत्पन्न होती हैं, आकांक्षाएं उत्पन्न होती हैं, उसमें से एक आध पूरी होती, बाकी सब भीतर डिपॉजिट हो जाती हैं। इसी तरह तो कर्मों का आश्रय होता है, एक साथ सैकड़ों दरवाजे अपने खुले हुए हैं, जरा सा कोई भाव किया और कर्म आकर के अनंत अनंत प्रदेश एक साथ जो है कर्म वर्गनाएं आकर के और चिपक जाती हैं। वही चीज ये है, कोई भी कर्म हम करते हैं, पुष्प कर्म, चित्र कर्म, बहिरंग साधन है जिनके माध्यम से जीव के शुभ अशुभ क्रिया होती है, वो सब उत्तर गुण निर्वर्तना कहलाती है। निक्षेप तो दो प्रकार का है, चार प्रकार का सॉरी, जिसमें किसी वस्तु को बिना देखे सोधे रख दिया, किसी व्यक्ति को कहीं रख दिया जहां रखना चाहिए था वहां नहीं रखा, फिर कहते हैं बिना देखे सोधे उतावली से वस्तु को रख दिया, तो ये सहसा निक्षेप कहलाएगा। और वो जो पहले कहा कि देख करके ठीक से बिना सोधे रख दिया, तो दुष्प्रमार्जित कहलाएगा। बिना सोधी वस्तु को, किसी वस्तु को रख दिया, तो वो अप्रत्यवेक्षित निक्षेप कहलाता, और उपयोग के बिना ही चीज को कहीं रख दिया तो वो अनाभोग निक्षेप कहलाता। ऐसे निक्षेप पे भी अपन दिन भर यही तो करते हैं, चीजों की उठाधरी, उसके माध्यम से भी आश्रय होता है भाई। और संयोग, भक्तपान का संयोग और उपकरण का संयोग, प्रतिकूल अन्न आपस में मिला दिया, दो खाने की चीजों को गड़बड़ सड़बड़ मिला करके खाया, तो उससे जो परिणाम बने या कि उससे जो इफेक्ट हुआ उससे भी आश्रय होता है। और उपकरण का संयोग है, अलग अलग प्रकार के जो उपकरण हैं, मुनि महाराज जी को विशेष रूप से ये प्रायश्चित के रूप में दिया जाता है कि अगर कोई प्रायश्चित है तो भक्त पान संयोग नाम का भी प्रायश्चित होता है, जिसमें कि दाल के साथ तुम्हें रोटी बहुत अच्छी लगती है, अब दाल अलग खाओ रोटी अलग खाओ, अलग अलग कर दिया, विवेक नाम का प्रायश्चित दे दिया, क्योंकि तुम संयोग जो है संयोग करते हैं अपन, ये चीज इसके साथ मिला के खाओ महाराज बहुत स्वादिष्ट लगेगी। अच्छा आश्रय भी ज्यादा होगा बाबा, स्वादिष्ट तो लगेगी उसके साथ में, क्योंकि आसक्ति ज्यादा हो जाएगी उसके मिलाने से।
इसी तरह उपकरण का संयोग पीछी कमंडलू, तो इसमें ये कहते हैं कि धूप में मान लो बैठे हुए हैं, धूप में से भी आए भीतर, तो कमंडल ठंडे में रखा था तो उस पीछी से प्रमार्जित करोगे तो थोड़ा रुक करके करना, क्योंकि ये गर्म है कमंडल ठंडा है। इस तरह का संयोग हो जाएगा तो जीवों की विराधना ज्यादा होगी, आश्रय भी अधिक होगा। इतनी सावधानी उपकरण इत्यादि की, ठंडे से लाई तो गर्म चीज को, इस तरह बहुत विवेक की आवश्यकता। ये इससे आश्रय होता संयोग से। निसर्ग मतलब मन वचन काय तीनों की जो क्रिया है उसको ही बोलते हैं निसर्ग बोलते हैं, उसका जैसा व्यवहार होगा मन का वचन का काय का। इस तरह से बहुत शॉर्ट में समझिएगा क्योंकि ये अध्याय बहुत बड़ा है, थोड़े सूत्र हैं लेकिन बड़ा। तब अब देखिएगा विभिन्न कर्म, मोटा मोटा हिसाब, वैसे तो इनके बहुत सारे डिटेल्स हैं, हर एक कर्म के बंध में कई कारण बनते हैं, पर मुख्य कारण आचार्य भगवंतों ने हमें बता दिए। आठ प्रकार के कर्म हैं, उनका आश्रय होता। आठ कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये आठ कर्म हैं। इन आठ कर्मों का निरंतर आश्रय होता, आयु कर्म का निरंतर नहीं होता, आयु कर्म का एक निश्चित समय है, आठ अपकर्ष काल में ही होता। बाकी सात कर्म तो सोते जागते आते जाते चलते फिरते हर स्थिति में आत्मा के साथ निरंतर आठों सातों कर्म जो है वो बंधते रहते हैं। स्थिति अनुभाग हमारी कषाय डिसाइड करती है, मन वचन काय की क्रिया के द्वारा प्रकृति और प्रदेश, उसका नेचर और उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों जो है कर्मों की डिसाइड होती रहती है मन वचन काय की क्रिया से। और ड्यूरेशन और पोटेंशियलिटी, कितनी देर तक रहेंगे और कितनी इंटेंसिटी से फल देंगे, ये सब हमारे कषाय के ऊपर निर्भर करती है। अब कहते हैं कि वो जो आठ कर्म है वो हमारे कौन से परिणामों के द्वारा उनका आश्रय होता है। तत्तदोष निन्दो मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो। अगर हम ज्ञानावरण दर्शनावरण बांधना चाहें तो क्या करें, या कि हम क्या करते हैं जिससे कि हमारे ज्ञानावरण दर्शनावरण बंध को आश्रय को प्राप्त होते हैं। आश्रय या बंध दोनों एक साथ होने वाली क्रियाएं हैं। हालांकि अब देखिएगा प्रदोष क्या कहलाता है। तत्व ज्ञान की चर्चा के समय तत्व ज्ञान और ज्ञानी दोनों के प्रति भीतर ही भीतर जलते रहना, यह कहलाता प्रदोष। कठिन काम है। तत्व ज्ञान की चर्चा चल रही है तो जो तत्व ज्ञान है उसके और जो तत्व ज्ञानी है उसके प्रति भीतर ही भीतर जल रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, कहते हैं ये प्रदोष है। इससे आपके ज्ञानावरण और दर्शनावरण दोनों का ही आश्रय होने वाला। निन्दो, ज्ञान की चार बातें कोई पूछे तो उसे नहीं बताया, क्यों? बता देंगे तो उसको मालूम पड़ जाएगा हमसे ज्यादा ज्ञानी हो जाए, नहीं बताते हमें नहीं मालूम, ऐसा कह दिया। और या कि मालूम होते हुए भी नहीं बताना और पुस्तक इत्यादि नहीं देना, या कि जिससे सीखा है उसका नाम नहीं बताना। हमने तो अपने आप सीख लिया, भैया आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, कहां से पाया आपने? हमने अपने आप सीख लिया, किसी गुरु ने नहीं सिखाया, नहीं किसी गुरु ने, किसी किताब से नहीं, किसी किताब से नहीं। ना किताब का नाम बताना, ना गुरु का नाम बताना, ये कह देना कि मैंने तो अपने स्वयं से, ये निन्मो कहलाता है। इसके द्वारा भी हमारा ज्ञान ढकता है, ज्ञान पर आवरण आ जाता, दर्शन पर भी आवरण आ जाता। मात्सरी, जानकारी होते हुए भी ईर्ष्यावश दूसरे को नहीं देना, भाव ये है कि बता देने से दूसरे का ज्ञान बढ़ जाएगा, ये मात्सरी कहलाता है। दूसरे के अच्छे ज्ञान से ईर्ष्या रखना। और अंतराय, ज्ञान और ज्ञान की प्राप्ति के साधन में बाधा डाल देना ताकि वो ज्ञान प्राप्त ना कर सके। किताब विताब छुपा के रख दी, नहीं मिलेगी तो नहीं पढ़ पाएंगे। आसादन कर देना, दूसरे के द्वारा दी जा रही जानकारी का आदर ना करते हुए शरीर और वाणी ऐसा मोह बना लेना कि जैसे हाँ कछु नहीं देखा, अब कोई अच्छो समझा रहा हो और अपन मोह बनाए, या कि हाँ भाव ऐसे करेंगे कि हमें कछु रुचि नहीं है इसमें। ये सब अज्ञानतावश होता है, अपन को अभी ऐसी आ रही करी ऐसा सुन, लेकिन अज्ञानता जब आ जाती है तो ऐसा भी अपन कर बैठते हैं, ये आसाधना कहलाती है। डिसरिगार्ड, आदर नहीं रखना, भले ही आप अनादर नहीं कर रहे लेकिन ज्ञान के प्रति आदर नहीं रखना भी आसाधना कहलाती है। ज्ञान को तो आदर पूर्वक ही स्वीकार करना चाहिए। और उपघात, उपघात मतलब सही ज्ञान में भी दोष लगा दिया, उसे गलत साबित कर देना, अहंकार वश ये हो जाता है। प्रदोष और उपघात में फर्क है कि उसमें प्रदोष में तो तत्व ज्ञान और ज्ञानी के प्रति भीतर भीतर जल रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उपघात में तो खड़े होकर के नहीं, ये जो आप कह रहे हैं ये ठीक नहीं है आपका,
इस तरह सही को भी झुटला करके, और कहते इसको ये कहते कि वक्ता की तरी लेना कि कितो जानत है कि नहीं जानत, जी कहलाता। ऐसा भाव आ जाता कई बार तो नहीं आ जाता, बस वही जो है हमारे ज्ञानावरण और दर्शनावरण में के आश्रय में कारण बनता है। आसाधना में तो ज्ञान का अनादर है, लेकिन उपघात में तो ज्ञान को अज्ञान ही कह करके ज्ञान का नाश कर देने का भाव है, ये बहुत तीव्र भाव होता है। हो सकता है सभी के लिए तो सावधानी रखना चाहिए। कई लोग कहते कि हमारा छह उपशम कमती है, छह उपशम माने समझते गुणों का आंशिक रूप से प्रकट होने का नाम छह उपशम है। सो ज्ञान जितना प्रकट हो गया है उतना ही ज्ञान का शोभसम कहलाता। आज जो है ज्ञान का शोभसम कमती क्यों है, क्योंकि हमने पूर्व में ये सब उपद्रव किए हैं ज्ञान के प्रति, इसलिए हमारे ज्ञान का आवरण बहुत कठोर है। तो क्या करें, कहते ज्ञान दान दो, दूसरे के ज्ञान की अब प्रशंसा करो और दूसरे परो भय स्थान अन्य सब वेद्यस्य। कहते असाता वेदनी के आश्रव का क्या कारण है, कहते स्वयं में और दूसरे में या दोनों में स्थित दुख शोक ताप आक्रंदन बद और परिदेवन, ये असाता वेदनी के कारण है। इनके माध्यम से अपने असाता का आश्रय होता है। दुख क्या है, स्वयं पीड़ा का अनुभव करना। लेकिन अभिप्राय ध्यान रखना, अपने इंद्रिय के विषयों के छिन जाने से जो पीड़ा का अनुभव हो रहा है वो अलग है, और हमारे धर्म ध्यान में बाधा आती है उससे हम जो दुखी होते हैं उसमें वो दुख अलग बात है। उससे जो है भला आश्रय होगा, ये तो बुरे आश्रय की बात कर रहे हैं कि पंच अपनी सुख सुविधा के तनक साधन कमती भय सो दुखी। तो कहते इस दुख से तो और दुख बढ़ने वाला है। अपन सोचते हैं कि दुख में दुख करे से कछुने हुई है, लेकिन दुख में और दुख करोगे तो और दुख का आश्रय होने वाला, ये सावधानी। और शोक कहते अपनी प्रिय वस्तु या कोई उपकारी व्यक्ति था उसका वियोग हो गया, तब जो पीड़ा होती है उदासी छा जाती उसका नाम शोक है। इससे भी असाता का ही आश्रय होता है। और ताप क्या है, झूठे आरोप किसी ने लगा दिए तो मानसिक जो खिन्नता उत्पन्न होती है उसका नाम ताप कहलाता है। इससे भी असाता का बंद होता है, आश्रय होता। आक्रंदन विलाप कर करके और फिर जो अपन रोते हैं उसमें उसको कहते हैं आक्रंदन, वीपिंग जिसको कहते हैं जोर जोर से रोना, और बद इंजोर कर देना उसके प्राणों को तकलीफ पहुंचा देना। बद में पूरी तरह प्राणों का वियोग भी आ जाता है, और बद में दूसरे के प्राणों को आघात पहुंचाना या स्वयं के प्राणों को आघात पहुंचा दिया तो उससे भी दोनों का लेना है, इसमें स्वयं को भी दूसरे को या दोनों को ही। इस तरह करना दुख शोक ताप आक्रंदन बद और परिवेदन। परिवेदन मतलब क्या होता है, जब किसी प्रिय व्यक्ति का मरण हो जाता है तो उसके गुणों को स्मरण कर करके अपन बोल बोल करके जो करुणा पूर्वक रुदन करते हैं वो कहलाता है परिवेदन। इसकी परंपरा पहले बहुत थी, अब तो नौकर बुलाऊंगे पड़त रोवे के को मर जावे। तो पहले तो आदमी अपने आप जो कर ले तो जिंदगी भर गुड़ने गायल हुई है, मरे के बाद जब चार जने बैठ भी आए तो एक एक बातें याद कर करके उनको सुना सुना के और फिर रो रहे, रोत भी जा रहे और गुड़ भी गाज जा रहे। जी खूब चलता था पहले, जी अज्ञानता है भैया। इससे अपने असाता का ही बंद होता और कुछ नहीं होता। जाने वाला तो चला गया, उसके गुणों को याद करके अपन गुणवान हो जाओ तो ठीक है, और उसके गुणों को याद करके और आप दूसरे के लिए सुनाओ या स्वयं ही तकलीफ उठाओ तो उससे असाता का ही बंद होने। यहां पर बाह्य कृत मुख नहीं है, अंतरंग का जो संक्लेश परिणाम है वो मुख है। बाह्य में तो जो दिखाई पड़ता वो तो है ही, पर अंतरंग में जितना जिसका संक्लेश परिणाम होगा उससे और अधिक जो है असाता का ही बंद होने वाला है। साधुओं के लिए भी तपस्या जन्य पीड़ा होती है, लेकिन वो संक्लेश का कारण नहीं होती, इसलिए उनके असाता का बंद नहीं होता उसके द्वारा। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है जो कि थोड़ी थोड़ी सुख सुविधा छिन जाने पर संक्लेश कर बैठता है उसको जो दुख शोक ताप आक्रंदन इत्यादि होता है उससे असाता का बंध होता है। इसलिए ये सावधानी इसमें रखने की है कि नहीं तो कोई प्रश्न अब भी पूछ ले कोई मन में आ जाएगा कि ठीक है फिर तो उपवास इत्यादि करने से भी दुख होता है, पीड़ा पहुंचती है, उससे भी असाता बंधेगी। कहते नहीं, वहां संक्लेश परिणाम नहीं है। अगर संकलेश कर लोगे, इसलिए तो कहते हैं कि शक्ति तस त्याग, भैया शक्ति से ज्यादा त्याग करोगे हो सकता संकलेश हो जाए, संकलेश हो जाए तो आश्रय तुम्हें पाप का होगा, करने गए थे अच्छा और हो गया बुरा। तो संकलेश ने हो गए आकुलता ने हो गए इतना ही
त्याग तपस्या करना ताकि असाता के जगह पर साता का बंध हो गए और भूत प्रत्यनुकंपाधान सराग संयमादि योगा शांति सौचमिचि सद्वेद्यस्य साता वेदनी का बंध कैसे होता तो प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा रखना। अनुकंपा की परिभाषा क्या दी, कहते दूसरे के दुख से स्वयं कंपित हो जाना ये अनुकंपा कहलाती। दूसरे के दुख को अपना दुख मानने का जो भाव है वो अनुकंपा है। कहते ऐसे प्राणी मात्र के दुख को अपना दुख मान करके उससे क्या होता, साता का ही आश्रय होता है। और व्रती व्यक्ति के प्रति अनुकंपा होना विशेष रूप से, वो तो और है, सामान्य जीवों के प्रति तो है ही और त्यागी व्रति के प्रति विशेष अनुकंपा है। कह रही भाई त्यागी व्रति पर कष्ट नहीं आना चाहिए, मैं उन पर कष्ट आए तो मैं जल्दी से उनका कष्ट दूर करूं ताकि वे अपना धर्म ध्यान करें, इससे और ज्यादा साता का आश्रय होता। दान देने से भी साता का आश्रय होता और सराग संयम राग पूर्वक जो संयम का पालन होता है उसके द्वारा भी साता का ही। और शांति और शौच, शांति क्या कहलाती, समता भाव क्रोध इत्यादि दोषों का निवारण करना ये कहलाती शांति। और शौच मतलब लोभ का शमन करना, शौच है जैसे अपन शौच धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। ये इन सब परिणामों के द्वारा साता वेदनी का बंध होता है। और आदि शब्द से क्या लिया है, तो अकाम निर्जरा करने से भी बाल तप तपने से भी साता का बंध होता, अनंत भगवान की पूजा में तत्परता, बाल और वृद्ध तपस्वी जनों की सेवा वैयावृत्ति करना, इस सब से भी साता वेदनी का ही आश्रय होता है। अकाम निर्जरा समझते, जब मजबूरी में भूख प्यास इत्यादि सहन करते हैं उससे जो कर्मों की निद्रा होती है उसको अकाम निद्रा कहते हैं। और अगर उपास करना हो संकल्प पूर्वक तो उससे जो निद्रा होगी वो अभिपाक निद्रा कहलाएगी, वो मोक्ष मार्ग में सहयोगी है। और जी अकेला पुण्य का बंध करवाएगी कि मजबूरी में करना पड़ा तो स्वेच्छा से करो उत्साह पूर्वक करो तो उससे जो है मोक्ष मार्ग बन जाता और इससे अकेला पुण्य बंध हो जाता, अकाम निद्रा से तो साता बनती है। केवली श्रुत संग धर्म देवाभरणवादो दर्शन मोहस्य, केवली अवरणवाद क्या कहलाता, कहते झूठा दोष लगाना और वो भी महापुरुषों पर। केवली भगवान का अवरणवाद क्या है, केवली भगवान तो 18 दोषों से रहते हैं लेकिन उनके लिए कहना कि उनको भी भूख प्यास इत्यादि की वेदना होती है ऐसा कह दिया, केवली भगवान तो भोजन करते हैं, तो ये केवली भगवान की आसाधना हो गई, उनका अनादर हो गया, ये अवर्णवाद कहलाता है। और श्रुत का अवर्णवाद, श्रुत तो वो है जिसमें कि अहिंसा का प्ररूपण किया हो, हैं दोनों के लिए मोक्ष मार्ग बताया है, लेकिन ये कह देना कि श्रुत में तो मांस भक्षण इत्यादि का भी वर्णन आया है ऐसा कह देना। ऐसा एक रिसर्च हुआ है दिल्ली में जिसमें सिद्ध किया है कि जैनियों के यहां पर भी मांस का समर्थन मिलता है जैसे बौद्धों के यहां मिलता। अब बताओ ये जो है श्रुत का अवर्णवाद कहलाएगा, ऐसा अपने मन में भी नहीं आना चाहिए। कहां लिखो रात्रि भोजन को त्याग, कहां लिखो कि आलू ने खाओ चाहिए, मतलब खाओ चाहिए जो लिखो है का जो भी तो होगा, तो जी अवर्णवाद हो जाएगा क्योंकि आपने हिंसा का समर्थन करने की बात कह दी श्रुत के माध्यम से। देखो शुद्ध के माध्यम से दूसरे को पाप में न लगाना भैया, न लगा पाओ धर्म में तो ऐसा प्ररूपण नहीं करना जिससे कि व्यक्ति धर्म छोड़ करके और पाप में लग जावे, इतनी सावधानी वरना शुद्ध का आवरणवाद। संघ का आवरणवाद, साधु जो अनुष्ठान करते हैं वो तो सब अपने आत्मा के विकास के लिए करते हैं पर उनके लिए दोष लगा देना, कह रहे बड़े गंदे रहते हैं नहाते तक तो है नहीं, जब यहीं पर कष्ट सह रहे हैं तो आगे तो कष्ट सहेंगे ही, ऐसा उनके लिए अवर्णवाद कर दिया। और क्या, जब इतना ही उनको कभी सुख नहीं है तो जी कौन से सुख को पाया कर रहा है, जब इतना ही उनको सुख नहीं है तो क्या सुख मिलेगा, ऐसा कह दिया तो ये सब संघ का अवर्णवाद हो गया। और धर्म का अवर्णवाद क्या है, अहिंसा धर्म है और उसे नहीं मान करके और हिंसा को ही धर्म मानना ये धर्म का अवर्णवाद या उसमें ऐसा दोष लगा देना। और देवों का अवर्णवाद क्या है, देव मतलब जो स्वर्ग में रहने वाले देवों की चर्चा है भैया, तो वे तो अमृत का भोजन करते लेकिन देवों को ऐसा मानना कि वे मांस का सेवन करते या शराब पीते हैं देवी देवता,
ऐसी मान्यता भी है, कहते ये सब देवों का वर्णवाद है, देव तो बहुत सुंदर होते हैं और अमृत का पान करते हैं, उनके लिए सुरा इत्यादि के पान की बात तो झूठी है। ये इस प्रकार और भी बहुत से कारण बन जाते हैं जिनके माध्यम से क्या होता है, दर्शन मोहिनी कर्म बंधता है। इसमें मुख्य रूप से इतना ही ध्यान रखना कि जो त्यागी व्रति हैं उनकी मन वचन काय से निंदा करने से बचना, नहीं तो अपने ही सच्चे श्रद्धान में दूषण लगेगा, सामने वाला तो जैसा है सो है ही। कषाय उदया तीव्र परिणामा चारित्र मोहस्य, कहते कषाय के उदय में होने वाला आत्मा का जो तीव्र परिणाम है वो ही चारित्र मोह है, उस वो चारित्र मोह के कर्म का आश्रय बनता है। कहते स्वयं कषाय करना और दूसरे को कषाय उत्पन्न कराना, थोड़ा सा डिटेल है राजवार्तिक का, वो पढ़ देता हूं आपको। स्वयं कषाय कर रहे हैं और स्वयं तो कर ही रहे हैं और दूसरे को भी करवा रहे हैं। तपस्वी जनों के व्रतों में दूषण लगा देना, इससे भी अपने चारित्र में दूषण लगेगा। सीता जी का उदाहरण तो हमेशा सामने रखना चाहिए, जब जब भी मन अपना खराब हो दूसरे के बारे में तो सीता जी को, अबे बहुत अच्छी लग रही सीता जी, अरे इनने का करो कछु नहीं करो। और पूर्व जीवन में मुनि महाराज जी बैठे हुए, उनकी बहन थी, वो चर्चा कर रहे थे तत्व चर्चा, और सीता जी का दीप निकला और क्या विचार किया, अच्छी जोड़ी बनी दो ही जनों। ऐसा अशुभ विचार करने से उनके ऊपर अगले जीवन में अपवाद लगा। कहते तपस्वी जनों के व्रतों में दूषण मत लगाना, अन्यथा आपके चारित्र मोहिनी का बंद होगा। संक्लेश उत्पन्न करने वाला व्रत और वेश धारण कर लेना, और सप्त धर्म का तो उपहास करना, गरीबों का मजाक उड़ाना और हंसी ठट्टा करना, ये सब जो है चारित्र मोहिनी के बंध के कारण है। नौ नौ कषाय भी इसी से बनेंगी भैया, और चार कषाय भी इसी से बनेंगी, और नौ नौ कषाय हंसी इत्यादि मजाक करते हैं, दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, उससे अपने ही हास्य कर्म का बंध होगा। और व्रत और शील के पालन में अरुचि रखना और राग रंग वाले कामों में रुचि रखना, यही तो है ही, वीतरागता के काम तो करें ने, और जो है राग बढ़ाने वाले काम कर रहे हैं तो क्या होगा, उससे उससे आपके चारित्र मोहिनी बंधेगा। और दूसरे में दूसरे के प्रति अरुचि पैदा करवा देना, कोई न कही कि भी फलाने तो बहुत अच्छे, अरे काय के अच्छे हैं, तुम अभी जानत नहीं है, रहो दो चार दिन संगे जब मालूम पड़े, ऐसा नहीं मालूम पड़े लियो। अब वो व्यक्ति उसके प्रति अच्छा था, उसका परिणाम आपने उसके परिणाम बिगड़वा दे, आपके लिए अरति नाम की नो कषाय का बंद हो गया। ये बहुत चलता, ये बहुत अधिक चलता, दूसरे के बारे में कुछ भी कह करके उसके प्रति उसके परिणाम बिगड़वा देना, ये अरति है। इस प्रकार से देश काल और वस्तु और व्यक्ति सबके प्रति, और कहते स्वयं शोक करना, दूसरे से को भी शोक में डाल देना, ये शोक नो कषाय बनने काम है। स्वयं भयभीत होना, दूसरे को भयभीत करना, भले काम के आचरण में घृणा पैदा कर देना जिससे कि वो भले काम न करे, जुगुप्सा बनती इससे, झूठ बोलने की आदत, दोष देखने की आदत, ये सब जो है स्त्री वेद के बंध का बहुत पूछत के स्त्री वेद कैसे मदद, कहते झूठ बोलने की आदत और दूसरे के दोष देखने की आदत से ये बनता है। और बहुत अधिक हाव भाव और नृत्य ज्ञान इत्यादि में लेना और बार बार दर्पण में अपना मुख देख करके सजाना, इन सब से स्त्री वेद का बंध, बुरा ही नहीं मानना भैया। और मंद हाँ, अब है अपन परिणाम अपने संभालो, हो गई से हो गई जो कुछ भी, लेकिन इसी से होता है। पुरुष भी ऐसा करे तो उसको भी उसी वेद का बंध होगा, ये ध्यान रखना। ब्यूटी पार्लर खोल वे की कह रहा है, आज जैनी व्यक्ति ब्यूटी पार्लर खोले क्या कर रहा है, जैसा उपाय वही क्या कर रहा है, वही बनेंगे फिर, और फिर बाद में कहोगे कि लो इससे हम पार कैसे हो गए। कहते मंद कषाय होवे और अपने ही संतोष पूर्वक जीवन जिए तो कहते पुरुष वेद का बंध होता है, और काम वासना की बहुत तीव्रता होवे तो नपुंसक वेद बनता। ऐसे जे चारित्र मोहिनी के बारे में, बहु आरंभ परिग्रह तम नारकषायुसा, बहुत आरंभ और परिग्रह की लालसा होना नरक आयु के आश्रव का कारण है। ये तो हर एक व्यक्ति को अपने ते एक बोर्ड बनवा के सामने लगा लो चाहिए दुकान पे की, और ऐसा नहीं जैसे में लिखो, ऐसा लिखो मैं बहुत अधिक आरंभ और परिग्रह करूंगा तो मैं नरक जाऊंगा, ऐसा लगवा लें। चार पैसा बढ़ जावे तो बिल्कुल ऐसे जमीन पे पांव नहीं पड़त, और जो परिग्रह आनंद नाम को रोद्र ध्यान है नरक को कारण है, जो बढ़ गए चार पैसा सो बढ़ गए, का करने अपन को, आज बढ़ गए हैं कल हो सकता कमती हो जाए,
आने जाने में पैसे के हर्ष विषाद नहीं करता, वो है संतोषी जीव। और सबरी हो जाए औरों के बाद हम कहते हैं खूब पैसा, हमें तो बहुत संतोष है। अब जब मालूम पड़े, जब देह ने ढीला, जब संतोष मालूम पड़े, अरे सब है तो सब संतोष कह रहे, नहीं आकुलता नहीं हो गए उसके प्रति, तब कहलाता है। और माया तैरज्ञो नस्य, मायाचारी करने से तो तिरंजायु का बंद होता। दूसरे को ठगना, धर्मोपदेश में मिथ्या बातों को मिला करके प्रचार करना, इससे भी तिरंजायु बनती, ध्यान रखना। धर्म के उपदेश में मिथ्या बातों को भी मिला करके उनका प्रचार कर दिया, शील से रहित पशुवत आचरण करना, ये सब तिरंजायु के बंध का कारण है। अल्पारंभ परिग्रह तम मानुष्य, कमती आरंभ और कमती परिग्रह रखने का भाव ही मनुष्यायु के आश्रव का कारण और भी है। विनम्रता, सज्जनता, सरल स्वभाव, स्वभाव की मृदुता, ये सब मनुष्यायु के बंध के स्वभाव मार्गों का, जिसके स्वभाव से ही कोमल परिणाम है। अपन कहते ना भैया बड़े गौ आदमी है, हमने कहो तेज बोलत नहीं सुनो है, ये क्या चीज है, ये स्वभाव से मृदुता है, कहीं से लाई नहीं गई, स्वभाव ही रहता। कई लोगों का बड़े शांत और बड़े अच्छे परिणाम, तो इससे मालूम पड़ता है कि मनुष्यायु के लिए ये आश्रव के कारण है, मनुष्यायु के आश्रव का। और मनुष्यायु के साथ साथ चार शब्द से देवायु के आश्रव का भी यही कारण है, स्वभाव मार्दोम का, स्वभाव की मृदुता से देवायु भी बनती है। निश्चील व्रतत्वम च सर्वेशाम, वो कहते व्रत नियम संयम कछु न होवे और अल्पारंभादि का भाव होवे तो सब प्रकार की आयु के आश्रव भी हो सकता, उसी से देव भी बन सकती, मनुष्य भी बन सकती, तिरंजो नारी भी बन सकती है, इसमें कोई बात नहीं है। सामान्य रूप से ये सभी के लिए दिया है। अब देवायु के बंध के क्या कारण, सराग संयम संयमा संयमा काम निद्रा बाल तपांसी दैवश्य। सराग संयम, संयमी मुनि के साथ भी दसवें गुण स्थान तक राग विद्यमान है, तो राग के कारण जो छठे गुण स्थान में बंध होता है वो देवायु का बंध ही होगा, मुनि महाराज के लिए और कोई आयु का बंध नहीं होगा, देवायु का बंध सराग संयम के साथ। संयमा संयम है, गृहस्थ है, त्रस हिंसा को त्याग कर दो है, स्थावर जीवों को भी व्यर्थ नहीं मारता है, उसके जो परिणाम है उनके द्वारा भी देवायु का ही बंध होता है। अकाम निर्जरा, परवश होकर के भूख प्यास की वेदना सहते, उससे जो निर्जरा होती है उसके द्वारा भी देवायु का ही बंध। लेकिन अब इनमें फर्क है, देखो एक तो संयम के साथ में देवायु बंध है अलग, देश संयम के साथ अलग, अकाम निजरा के साथ अलग, है तो सब देवायु, भवनवासी भी अंतर भी तो देव हैं, वे बन जाएंगे, वैमानिक देव अच्छे देव हैं, उसके लिए अलग प्रकार का पुरुषार्थ करना। बाल तपस्या करते अर्थात सम्यक दर्शन तो है नहीं है, श्रद्धा के बिना व्रत नियम संयम पालन करें तो भी देवायु का ही बंध होता नहीं है, श्रद्धा नहीं है फिर भी, अब सब जने कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं ऐसे जो है, या फिर मिथ्या तप तपना, पंचाग्नि इत्यादि तप तपते तपते हैं, शरीर को कष्ट पहुंचा रहे, आत्मा की तो खबर है नहीं, कहते इस प्रकार का ये बाल तप है, इससे भी देवायु का बंध तो हो जाता है, आश्रय होता। सम्यक तुम चा, सम्यक दर्शन से भी देवायु का बंध होता, लेकिन ध्यान रखना सम्यक दर्शन के साथ तो सिर्फ वैमानिक देवों की आयु का बंध होता है, नीचे के देवों की आयु का बंध नहीं होगा सम्यक दर्शन के साथ में। योग वक्रता संवादनम च शुभस्य नामना, मन वचन काय की कुटिलता और साधर्मी के प्रति विसंवाद करने से अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। अगर अपन को अच्छा शरीर नहीं मिला तो इसका अर्थ है अपन ने गलती खाई है, कहीं ना कहीं अपने मन वचन काय की कुटिलता रही है, और क्या रहा विसंवाद। विसंवाद का मतलब है कि विपरीत या मिथ्या आचरण करने के लिए दूसरे को प्रेरित करना या मारी थारी करना, ये मेरा ये तेरा, इस तरह का विसंवाद करना, या फिर स्वर्ग और मोक्ष के कारणभूत क्रियाओं को रोक देना कि इसमें क्या रखा हुआ है, ये पुण्य की क्रियाओं से थोड़ी कल्याण हो, ऐसा कह करके उसको रोक दिया, स्वर्ग और मोक्ष की क्रियाएं रोक दी, तो कहते इसके द्वारा आपके अशुभ नाम कर्म का बंध होगा। बहुत जी अध्याय आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे, आचार्य श्री सुनाते हैं कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे कि भैया पूर्व तत्वार सूत्र पढ़ो चाहे न पढ़ो, मनोरोज छठा और सातवां अध्याय जरूर पढ़ो। सो छठी अध्याय पढ़े से अपने परिणाम समझेंगे, करी परिणाम बिगाड़े से तो जी जी कर्म बनेंगे, और सातवें अध्याय में शावक का धर्म दिया है, बारह व्रत दिए, सो वो पढ़ो ताकि अपने जीवन में बारह व्रत तो आप आवे, भावना तो बनी रहे। दो अध्याय बहुत कीमती हैं अपने जीवन को संभालने के लिए, इससे परिणाम संभलते। तद विपरीतम शुभस्य, और अगर मन वचन काय की सरलता होवे और विसंवाद न करे तो शुभ नाम कर्म का बंध होता है।
दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रते सुनति चारो भीक्षण ज्ञान उपयोग संवेग शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधि वैयावृत्त करण महारदाचारी बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहानिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्मिति तीर्थ करत्वस्य। तीर्थंकर नाम कर्म का सब नाम कर्म अलग है और तीर्थंकर नाम कर्म अलग है। तीर्थंकर नाम कर्म बांधने हुए तो क्या करो, 16 कारण भावना भाते हैं, दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावना। दर्शन विशुद्धि मुख्य है लेकिन बाकी 15 में से कोई भी हो सकती, मुख्य तो दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि क्या है, जो निर्दोष सम्यक दर्शन का 8 अंगों से युक्त होकर के पालन होता है वो दर्शन विशुद्धि। मनो देखो अब अपना ऐसा समय है कि जी भावना अपन भाव भी तो भी नहीं होने वाला, क्योंकि जी भावना जब तीर्थंकर के पाद मूल में केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में बैठ के भाव, तब जो परिणामों की निर्मलता होती उससे तीर्थंकर प्रकृति बनती। आज तो जो है ऐसा अपने पास उपाय ही नहीं है, न अपने परिणामों में उत्ती उज्जवलता है और न कोई केवली शुद्ध केवली का पाद मूल है, फिर भी 16 कारण भावनाएं तो भाना चाहिए। ऐसा सोच करके ये नहीं सोचना कि अब हो ही नहीं सकत तो काय को भावे, यदि नहीं आज भाएंगे तो उसका संस्कार है तो आगे भी काम आएगा। विनय संपन्नता मोक्ष मार्ग और उसके साधन भूत जो गुरु आदि हैं उनके प्रति उचित आदर भाव रखना विनय संपन्नता कहलाती। शील व्रत में अनतिचार शील व्रतों का निर्दोष रूप से पालन करना। अभीक्षण ज्ञान उपयोग निरंतर सम्यक ज्ञान की आराधना के लिए उस उपाय करते रहना, मैं क्या करूं जिससे कि मेरा ज्ञान बढ़े। सम्यक ज्ञान, ये वाला संसार वाला ज्ञान नहीं, समीचीन ज्ञान मेरा बढ़े उसके लिए निरंतर प्रयत्नशील अवीक्षण ज्ञान उपयोग और अवीक्षण संवेग, निरंतर संसार के दुखों से बचने के लिए प्रयत्न करते रहना। संसार के जन्म मरण और आवागमन से बचने के लिए निरंतर कि क्या करूं जिससे कि इस आवागमन से बचूं, संसार से बचूं, ये अवीक्षण संवेग। यथाशक्ति त्याग, जितनी शक्ति है उसको न छुपा करके और मोक्ष मार्ग में त्याग करना। यथाशक्ति तपस्या करना, साधुओं की भैया वृत्ति करना, उनके गुणों के प्रति आदर भाव रख करके उनकी वृत्ति दूर करते रहना। साधु समाधि है भैया व्रत करण, साधुजनों की निर्दोष सेवा करना। अरहंताचारी बहुश्रुत और प्रवचन भक्ति, अरहंत भगवान की भक्ति करना, लेकिन निर्मल परिणाम पूर्वक लिखा है इसमें। निर्मल भाव सहित जो भक्ति करे अरहंत भगवान की, आचार्य महाराज की, बहुत श्रुतवान अर्थात आपके क्या बोलेंगे श्रुत केवली महाराज हैं या कि उपाध्याय हैं उनकी, और प्रवचन भक्ति मतलब आगम की धर्म की भक्ति करना। आवश्यक अपरिहानिर, 6 आवश्यक क्रियाएं जो श्रावक और साधु की हैं उनको निर्दोष पालन करना, समय पर पालन। मार्ग प्रभावना, स्वयं मोक्ष मार्ग में लगना और जीवों को भी मोक्ष मार्ग में लगाना। मोक्ष मार्ग में कहां लगा उत्पन्न, कोई से आज तक अपन ने कई घरे जाके ये भैया हम मंदिर जा रहे तुम चलो, हम सिनेमा जा रहे तुम चल रहे, हम घूम भी जा रहे तुम चल रहे। जी तो अपन बहुत कहते लेकिन हम धर्म ध्यान के लिए महाराज के पास जा रहे तुम भी चलो जल्दी तैयार हो जाओ, हमारे कैसे मित्र हो तुम, ऐसा कहना चाहिए। उसको भी धर्म ध्यान में लगाना चाहिए, ये मार्ग प्रभावना कहलाती। प्रवचन वत्सलत्व क्या है, जैसे गाय और बछड़े की परस्पर प्रीति है ऐसी अपने साधर्मी से प्रीति रखना, ये प्रभावना है। इस प्रकार 16 कारण भावनाएं हो गई, इनके माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति बनती। परात्म निंदा प्रशंसे सद सद गुणोच्छादनोद भाव नीच नीचैर गोत्रस्य। अगर नीच गोत्र बांधने हुए तो जो उपाय करो, क्या उपाय करो कि दूसरे की निंदा करो। सुबह तो पहले ही कर रहे थे, वे कौन नई बात ऐसा आप कह सकते नहीं, इससे बचना चाहिए क्योंकि इससे नीच गोत्र का बंध होता है। कहते दूसरे के सच्चे या झूठे दोष, सच्चा दोष भी नहीं लगाना, झूठा तो ठीक ही है। कहते सचमुच कोई दोषी है तब भी उसको दोषी नहीं कहना, आप तो नहीं कहो दोषी वो है सो रहा हुआ है। बहुत बहुत मुश्किल काम है ये, मैं खुद इसको बार बार इसलिए कहता हूं कि हमारे मन में भी दूसरे के थोड़े से दोष देख करके एकदम अरे ये तो बहुत दोषी आदमी, ऐसा नहीं आना चाहिए। पता नहीं वो उसके परिणाम कैसे हैं अपन क्या जान सकते हैं अंतरंग को। कहते दूसरे की निंदा नहीं करना। आत्म प्रशंसा, अपने सच्चे या झूठे गुणों को प्रकट करने की जो प्रवृत्ति होती भीतर भीतर जो भाव होता है वो आत्म प्रशंसा का भाव कहलाता, इससे भी नीच गोत्र बनता देखो। और सद्गुण आच्छादन, दूसरे के सद्गुणों को ढकना,
दूसरे के अच्छे गुणों को प्रकट नहीं करना और असदगुण उद्भावन, अपने कोई गुण नहीं है फिर भी गुणों को प्रकट करना, दूसरे के तो गुण ढकना और अपने गुण नहीं होते हुए भी प्रकट करने की कोशिश करना, और दूसरे के अविद्यमान दोषों को उद्घाटित करना और अपने विद्यमान दोषों को भी छुपा लेना, ये सब भी इसमें शामिल होगा। और डिटेल में इसमें लिखा है कि जाति ज्ञान ऐश्वर्य इत्यादि का गर्व करना, दूसरे की अवज्ञा करना, दूसरे के यश खो कम करना, दूसरे की कृति खो अपनी बताना चुरा लेना, दूसरे की खोज खो अपनी कहना, दूसरे के श्रम को अपना श्रम कह करके जीना, ये सब नीच गोत्र के आश्रव के कारण है। करो तो कोई ने और श्री अपन ने ले लो, ये सब जो है इससे भी नीच गोत्र ही। और नीच गोत्र का बंध मिथ्या दृष्टि को होता, दूसरे गुण स्थान तक होता, सम्यक दृष्टि को नहीं होता। सम्यक दृष्टि जी करे ही नहीं उपद्रव, मिथ्या दृष्टि जिस क्षण हमारे पर निंदा के भाव आवे समझना के गुण स्थान गिर गया। सम्यक दर्शन में बट्टा लगा लिया है जब तो हमारे परिणाम ऐसे बन गए। देखो दूसरे के सुधारने की दृष्टि अलग है, जाने समझिए, किसी को गलती दिख गई लेकिन अपना मन क्या है, ये गलती इनसे निकल जावे, जी हमारे मित्र हैं, जी ऐसी गलती न करें, ऐसा जो परिणाम है वो अलग है, और दूसरे को गिराने के लिए जो परिणाम है वो अलग है, ऐसा भेद करके करना भैया, नहीं तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और कितने दो सूत्र और रह गए, तद विपर्य नीचर वृत्यनुष्य कौ चोतरस्य, और नीच गोत्र से विपरीत क्या है, उच्च गोत्र है। तो कहते दूसरे के गुणों की प्रशंसा करना और अपनी आत्मनिंदा करना, अपने दोषों की निंदा, आत्मनिंदा मतलब अपने दोषों की निंदा करना, और नम्र प्रवृत्ति रखना, विनय भाव रखना और निराभिमान अहंकार न करना, इन सब से उच्च गोत्र का बंध हो आश्रव होता है। विघ्न करना मंत्रायस्य, विघ्न करना अंतराय का आश्रव है। वैसे अंतराय जो है विघ्न अपने जीवन में भी डालता है, स्वपन जब दूसरे के में विघ्न डालते स्वप्न में भी डालता है, किसी की दान देने की इच्छा है और उसको रोक दिया, का धरो है दान दे में, ऐसा कह दिया तो आपके भी दानांतराय का बंद हो जाएगा। सद्गुण या आत्म लाभ में बाधा डाल देना तो आपके भी लाभ में लाभांतराय कर्म बंधेगा, और भोग भोग की सामग्री में दूसरे की बाधा डालने से भोगांतराय कर्म, उपभोग की सामग्री में बाधा डालने से उपभोगांतराय कर्म, और किसी की शक्ति को छीन कर देना, उसके उत्साह को भंग कर देना, कोई अच्छे ठाट बाट से पूजा कर रहा है, अच्छे उत्साह से कर रहा, उसको निरुत्साहित कर दिया, उससे क्या होगा, वीर्यांतराय कर्म का अपने स्वयं के आश्रय होगा। इस प्रकार ये आठ कर्म है भैया, इनके द्वारा ही संसार है, और इस संसार में इन आठ कर्मों से बचने के लिए अपन को अपने परिणाम संभालना चाहिए। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की जय।